गाइस वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। आज हम बताने वाले हैं ह्यूमन वैल्यूज के मोस्ट क्वेश्चन। देखिए, हो सकता है पेपर 40, 30, 50, 60 कितना भी परसेंट मैच कर सकता है और नहीं भी करे, लेकिन इतना कोशिश है, इतना मैं गारंटी लेता हूँ 40% पेपर तो मैच करवा ही देंगे। इतने साल का एक्सपीरियंस है हमको तो इतना तो करवा ही देंगे और इससे ज़्यादा ही करवा देंगे। 40-70 के बीच में रहेगा ये पेपर मैच। दूसरी बात ये कि इसके अंदर अभी क्वेश्चंस लगवाने वाला हूँ मैं NK की बुक से, ठीक है। तो इनके अंदर आप देखोगे तो अलग अलग बहुत सारी दिक्कत आने वाली है आपको पढ़ते टाइम। तो इससे अच्छा है कि हो ना आपके पास PDF हो। कैसी PDF? हैंड रिटन, हाथों से लिखी हुई, किसी के पर्सनल नोट्स, कोई फैकल्टी के नोट्स मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जस्ट 29 रुपीज़ में, ना केवल ह्यूमन वैल्यूज़ की बल्कि जितनी भी आपकी सब्जेक्ट्स है, अब तक जितनी भी आपकी सब्जेक्ट है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की, वो सब आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। साथ के साथ जो मोर्स क्वेश्चन की वीडियोस बनती है उसकी अलग से PDF बनी जाएगी, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी इन जस्ट 29 रुपीज़। सो व्हाट्स आर यू वेटिंग फॉर गाइज? आपको बस क्या करना है, ये जस्ट 29 रुपीज़ में आपको मेंबर बन जाना है हमारे चैनल का। और इसका कैसे करना है, इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप पूरा स्टेप दे रखा है, QR कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको हमारी पोस्ट के ऊपर, कम्युनिटी पोस्ट पे QR कोड मिल जाएगा, उसको स्कैन करो, 29 रुपीज़ पे करो, स्क्रीनशॉट हमारी मेल के ऊपर भेजो, उसके बाद पूरा एक्सेस आपका इन जस्ट 29 रुपीज़ ओनली। शुरू करें तो आई होप आप सब लेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, ठीक है, ताकि वो सब भी ये मेंबर बन सके हमारे चैनल का, क्योंकि हमारा चैनल आने वाले समय में RTU का सबसे बड़ा चैनल बनने वाला है। RTU अपडेट से लेके हर चीज़ का कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय द ह्यूमन वैल्यूज? ह्यूमन वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, ह्यूमन एथिक्स क्या होता है। ये देखो, इंजीनियरिंग में इसलिए जोड़ा गया है ताकि अब मैं थोड़ा ह्यूमन वैल्यूज का वैल्यूज घुसे कि एक मानवता क्या होती है, हैप्पीनेस क्या होती है। पैसों के पीछे भागना ही नहीं होता सब कुछ, ठीक है। हैप्पीनेस, खुशी किस चीज़ में मिलती है, उस चीज़ के पीछे भागो, ये चीज़ आपको जगाएगी, ठीक है। पढ़ना इसको, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। डिफाइन वैल्यू एजुकेशन की, एजुकेशन की क्या वैल्यू है? तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस एंड स्वास्थ्य, ठीक है, हार्मनी जिसको बोला जाता है, यानी फैमिली परिवार। एक होता है प्रिया, ठीक है, उसका क्या मीनिंग होता है, तो इनका मीनिंग आपको बताना चाहिए। आगे चले, ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन लीड्स टू रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा है, बहुत शानदार है। दूसरा, व्हाट इज द वैल्यू एजुकेशन एंड व्हाट आर द कॉमन फैक्टर एसोसिएटेड विद इट, तो आप ये पूरा आप डिफाइन कर सकते हो, नो डाउट। देखो, खुद के मन से लिखो, आप इसको कॉपी मत करो कभी भी, आप तो बस एक हल्का आइडिया ले लो, फिर माइंड में रखो, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा, इसका कोई नहीं आंसर देना। ह्यूमन वैल्यूज कोई रटने की सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, समझने की सब्जेक्ट है, फील करने की सब्जेक्ट है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अभी जो पढ़ के आए वही यहाँ पे डिफाइन करना है, कुछ अलग से नहीं होगा, ठीक है। What is the role of family and society in the value education? अब आपको बताना है फैमिली के अंदर एजुकेशन का क्या रोल रहेगा और सोसाइटी में क्या रहेगा, तो ये तो आप बता ही सकते हो यार, टफ चीज़ है क्या कोई, या कोई रॉकेट साइंस लग रही है इसमें? नहीं लग रही भाई। What are the 4 dimension of value education? तो ये डायमेंशन आप देख लेना कितने हैं, 4 हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लो। एक होगी thoughts, आपकी सोच, बिहेवियर, ठीक है, जो काम करते हो वर्क। एक होता है रियलाइजेशन, ओके, एंड वॉट आर द बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस, ये वाला क्वेश्चन आ गया। द बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन इज हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, हाउ कैन इट इज बी अचीव्ड, कैसे इसको प्राप्त किया जाए, तो ये वहाँ पर डिफाइन कर रखा है। चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं, हारमनी है, ठीक है, डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन जाता है नीड ऑफ सेल्फ और नीड ऑफ बॉडी। चैप्टर 2, इसके अंदर क्वेश्चन 2 बनता है, आई का मीनिंग यहाँ पे क्या बता रहा है वो। एक क्वेश्चन नंबर 4 बनता है आपका, ठीक है, द बॉडी इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, यह क्या है? तो देखो, आई तीन चार चीज़ें होती है, सिर, डोर, एंजॉयर। इसी प्रकार क्वेश्चन 5 बनता है, एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज ऑफ आई। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, गॉट इट, ओके। चैप्टर 3 की ओर मूव ऑन करते हैं, जिसके अंदर आपका आता है लिस्ट द वैल्यूज इंक्लूडेड इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, तो ये सारी आपके आ गई यहाँ पर,
इनको जरूर जरूर पढ़ना गाइस, जरूर जरूर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और ऐसा है देखो, आप पीडीएफ से पढ़ोगे ना तो इतनी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि बाई चांस आए ना आए मोस्ट क्वेश्चन, बट पीडीएफ को एक बार पढ़ना है आपको। 5 चैप्टर बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाया गया है, वो आपसे पढ़ लिया बस काम बन गया आपका, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। और ये चीज़ सब्जेक्ट है, लाइफ टाइम भूलने भी नहीं देती। क्वेश्चन फर्स्ट आप यहाँ देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप, क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर बन रहा है और क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पे बन रहा है, और फिफ्थ की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे सिक्स वाला, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप व्हाट आर इन इट्स 9 वैल्यूज, जो 9 वैल्यूज मैंने बताई थी ना, कौन कौन सी, ये वाली, ट्रस्ट हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, अफेक्शन हो गया, केयर हो गया, गाइडेंस हो गई, रिवर्सेंस हो गया, ग्लोरी हो गई, ग्रेटिट्यूड हो गया, एंड लव हो गया। एक है आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन, और बस हो गया चैप्टर फोर में। चलिए चैप्टर फोर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, स्टार मार्क कर रखा है, यानी कि आएगा ही आएगा। तो फोर ऑर्डर ऑफ द नेचर है, ठीक है, एक तो होता है मटेरियल ऑर्डर, एक प्लांट ऑर्डर होता है, एक होता है आपका एनिमल ऑर्डर, एक होता है आपका ह्यूमन ऑर्डर, हो गया। इसके अंदर ही लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है, ये रहा देख पा रहे हो, एक सेकंड देख पा रहे हो, ये रहा। इसी के अंदर चैप्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड बन के आ रहा है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड द एनिमल कॉन्शियसनेस, ये तो आप बता ही सकते हो, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री आपका हार्मनी इन नेचर, व्हाट इज एक्टिविटी, ओके ये वाला क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हो, एक्सप्लेन अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज अ कोरिलेशन, सॉरी को एग्जिस्टेंस, ओके 10 नंबर। चैप्टर 5th, यार सुनो एक 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 चीज भूल गया, सॉरी, जो मैंने चारों ऑर्डर बताए ना आपको, उनको डिफाइन भी करना आना चाहिए। और अगर आप पीडीएफ में देखोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, इसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ छोटे छोटे दे रखे ना, डायग्राम बना रखा है, क्या समझ में आएगा बताओ, बच्चा कितनी थ्योरी पढ़ लेगा, मजा आएगा क्या, नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाओ एग्जिस्टेंस, सेकंड लगाओ यूनिवर्सल ऑर्डर, पांच है अपने, लगा रहे हो ना, एथिक्स आ गया, एक आ गया वैल्यूज एंड मूल्य, मूल्य क्या है तुम्हारा ये पूछा जा रहा है, ओके ये आ गया क्वेश्चन फर्स्ट। इसका क्वेश्चन सेकंड ह्यूमन कंडक्ट करके, क्वेश्चन नंबर थर्ड ह्यूमनिस्टिक्स एजुकेशन है, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कानून, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं ठाकुर, इसलिए लगाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर फोर मेरे बेटे, इसमें आपके वो देखने को मिलेगा रेफर द क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले तो, फिर नेसेसरी डायग्राम इसका, ठीक है देख लेना आप, मिल जाएगा। एथिक्स क्या होता है उसको थोड़ा लॉन्ग डिफाइन कर रखा है, इसको पढ़ना चाहो पढ़ लो, अदरवाइज छोड़ देना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये वाला इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द प्रोफेशनल एथिक्स एंड व्हाट इज़ द कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, पूरा डिफाइन कर रखा है, चेक इट आउट करना, हो गया। हाँ भैया हो गया, तो ये यहाँ पर अपना होता है फिनिश ह्यूमन वैल्यूज का मोस्ट क्वेश्चन, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके प्रोसेस देके और फटाफट से पीडीएफ को ले लें, ओके। सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, नीचे लाल बटन है उसको दबा देने का ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।